पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कमलजीत कौर है, मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसके रिलेटेड हम लोग आज आपके सामने आए हैं। क्या है ये वर्क, इसका ये वर्ल्ड ग्रुप का जो ये आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, क्या है बेसिकली इसकी डिटेल? स्काई वर्ल्ड ग्रुप एक ऐसी कंपनी ओपन हुई है जहाँ पे हम लोग ना लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। बेसिकली लोगों के बाहर देखा जाए तो जॉब के लिए एक प्लेसमेंट चलते हैं, रिक्रूटमेंट चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग चार्जेस वगैरह लेते हैं, पब्लिक चार्जेस लेते हैं, तो हम भी एक तरह से पेड प्लेसमेंट्स थे। पर काफ़ी बार देखा है कि पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करते थे, तो हमें बहुत तकलीफ होता था कि एक पेमेंट भी करके जाते हैं ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया कि जहाँ पे बच्चे को सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें हम लोग इंग्लिश का उनको सिखाएंगे, इंग्लिश कैसे बोलनी है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, किस तरह उनको लोगों के साथ बात करनी है फ्री हो के, पर्सनैलिटी कैसे बना के रखनी है, एक तरह से ग्रूम करके आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा उनको। मेन जो है ये आपके पास से रिक्वायरमेंट आती कहाँ से है, जॉब कौन कौन सी कंपनी आपसे जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ है? जी, हमारे साथ अलग अलग तरह की कंपनियाँ जुड़ी हुई है, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स है या फिर आप देखने चाहो तो कॉरपोरेट कंपनीज है और MNC कंपनीज है, किसी को वर्क एट होम करना है ऐसी कंपनीज है। तो कॉन्टेक्ट टचवुड बहुत अच्छे हैं हमारे, कि जिसकी वजह से काफ़ी लोग रिक्वायरमेंट्स अपनी शेयर करते हैं, किसी को मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, किसी को डेटा एंट्री के लिए बंदा चाहिए, किसी को अकाउंटेंट चाहिए, किसी को एडमिन चाहिए, तो इस तरह से हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। सब तो ये प्राइवेट कंपनी है आपसे अटैच? बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी हमारे साथ अटैच है। तो अभी तक आपने कितने लोगों को जुड़वाया है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा देखा जाता है कि जो भी जॉब दिलवाते हैं तो या तो उसकी 1 मंथ की सैलरी अपने पास में रखते हैं या कुछ चार्ज होता है, तो आपकी कंपनी चार्ज क्यों लेती है? क्या ये एक हेल्प है सीख जो कास्ट कम्युनिटी है इसके द्वारा कुछ हेल्प की जा रही है? जी जी बिल्कुल सर, देखो आपको जैसे बताया आपने कि काफ़ी कंपनियां हैं कि जो पेमेंट चार्जेस वगैरह करती हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि वो बेचारा अर्निंग के लिए तो हमारे पास आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक ऐसे रिलीजन से हूँ जहाँ पे लोगों की तकलीफें, हम लोग जब हमारी जो पीढ़ियाँ थी हमें इतिहास बताते ही आए कि हमारी जो सिख रिलीजन से कैसे तकलीफें सहन करती आई है, तो उसी तरह मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी की जो आज की यूथ है, ठीक है, वो ये कष्ट सहन करे, इनको ये तकलीफें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखा जाए तो इस ग्रुप को 4 साल हो गए हैं, पर नॉर्मली हम लोग परफेक्टली इसको 1 ईयर से कम्प्लीटली चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 अबाउट, ऑलमोस्ट। हाँ, आती भी है, शिकायत भी आती है कि मुझे सैलरी नहीं मिली है या फिर मुझे जॉब नहीं जम रहा है, तो हम लोग उनको फिर से रिक्रूट करते हैं। पर सैलरी नहीं मिलने का कारण खुद बच्चा होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो काम करना बहुत ज़रूरी है, एक एज हो जाती है तो घर पे पेमेंट लाना ज़रूरी होता है। अगर आप पेमेंट घर पे लाने के लिए किसी की जगह काम करते हो तो आपको वो ज़रूरी है कि उसका काम फुलफिल किया जाए। जी, हमारा फेसबुक आईडी है जहाँ पे स्काईवर्ल्ड रिक्रूटमेंट 2017 यूज़र नेम है हमारा, अगर डालेंगे हमारे पेज पे डायरेक्ट आ सकते हैं और उस पर इनबॉक्स पे अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो हम लोग वहाँ से भी उनके साथ बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर 7021252549 है, जहाँ पर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप करके अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो। 7021252549 व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके बात करेंगे। बिल्कुल वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था, मतलब लोड ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को वो ऑफलाइन करनी पड़ी है। मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन में वापस ऑनलाइन आ जाएगी हमारी वेबसाइट, तो लोग रिज्यूमे अपना वेबसाइट के थ्रू भी अपलोड कर सकेंगे। सर कैसे है कि अभी मुंबई है, नासिक है, पुणे है, ठीक है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, तो वहाँ पे हम लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। बट मुंबई बेसिक है कि मुंबई में कैसे हम खुद बैठते हैं, तो अगर
बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन अभी मुंबई वालों के लिए ही है जी। उसमें विद इन अ 15 वर्किंग डेज सर, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया हमारा तो हमारा फॉर्म में आपकी डिटेल्स ली जाती है, परमानेंट एड्रेस या टेम्प्ररी एड्रेस का, आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है उसमें, आपका एजुकेशन कितना हुआ है वो फिल करना होता है, आपका नाम, एरिया, क्वालिफिकेशन, ये सारी एक्सपीरियंस चीज़ें डाली जाती है। उसके बाद जैसे हमारे पास फॉर्म आता है आपको कहाँ से हम लोग को ग्रो करना है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद हम लोग को लगता है कि बच्चे को सिखाना है तो बच्चे को हम लोग ऑफिस में बुलाते हैं, 20 से 25 लोग का बैच बनता है एक दिन में जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं, फिर उनके उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। सर बिल्कुल, जो स्टडी नहीं कर पाए हैं जैसे कि कोई 5th स्टैंडर्ड ही पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड ही पढ़े हैं तो उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छी सेवा है, जैसे कि पैकर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन कर सकते हो, तो अलग अलग है ऐसे उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे हम लोग उनको भी हेल्प करते हैं। सर फ्रॉड कोई नहीं करता है, फ्रॉड एक्चुअली जो आज की जनरेशन है वहाँ पे वो लोग की भी गलती है। बात क्या हो जाती है कि जो आज की जनरेशन है वो काम करके राजी नहीं है, तो जब उनको जॉइनिंग करवाया जाता है तो कंपनियों के टाइप होते हैं 3-3 महीने के कि जहाँ पे पेमेंट उनको मिला जाए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट कंपनी कंपनी से टाइप करती है कि 3 मंथ के जॉइनिंग के होने के बाद एक पेमेंट उसको मिलेगा रिक्रूटमेंट कंपनी को, तो कैंडिडेट उससे पहले जॉब छोड़ देते हैं, तो रिक्रूटमेंट कंपनियों ने क्या किया, कैंडिडेट से पेमेंट लेना स्टार्ट किया कि तुम छोड़ भी दोगे तो हमें परवाह नहीं है, तुमने तो हमें पैसा दिया, तो ये चीज़ की वजह से उन लोगों ने पहले पैसे लेने स्टार्ट किए। सेकंड चीज़, जहाँ पे पेमेंट लेना स्टार्ट किया तो लोग जॉब प्रोवाइड करते थे तो बच्चे वो जॉब करना पसंद नहीं करते थे, तो उनका नाम फ्रॉड में डाल दिया जाता है कंपनी का। तो ये एक तरह से एक हाथ से ताली नहीं बज रही, कैंडिडेट्स का भी गलती होता है कि जहाँ पे अगर एक रिक्रूटमेंट आपको हेल्प कर रहा है तो आप उनको भी समझो, तो एक ये एक मैसेज था मेरा। सर बेसिक मैं सिख रिलीजन से हूँ तो सिख रिलीजन रिलीजियस में हमारे सेवा ही लिखा हुआ है कि हम लोग सेवा ही करना चाहते हैं लोगों की और सेवा करते रहेंगे और खुद से सेवा करते आए हैं। तो एक तो हम लोग सेवा करना चाहते हैं लोगों की, दूसरी चीज़ हर किसी का कोई ना कोई गॉड फादर होता है, तो मेरे भी गॉड फादर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वही हमारे पिता हैं जो हम लोग को राह दिखाते हैं, ठीक है, वही हमारे साथ हमेशा चलते हैं, तो उनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक ही चीज़ है कि अगर आप दिल से स्ट्रांग हो, अगर अपने धर्म के लिए मतलब बोल सकते हैं कट्टर रहते हो तो आपका भगवान तो साथ देता है, दुनिया भी आपके साथ देती है। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।